सारे लोग आ भी गए, काफी सारे लोग आ गए, मैं नहीं मिल पाया। आने वाला खास मुनावर आने वाला लेट होगा क्योंकि मैं लैंड चंडीगढ़ से डायरेक्ट यहाँ पे आया हूँ, थोड़ा सा लेट। मुनावर के चांस आने का? हाँ मैंने बात तो की है, वो किसी रिहर्सल्स में भी काफी आने वाला है, तो मैंने बोला है कि आ जाना यार 10 मिनट के लिए आना, तो आएगा वो। दोस्ती पक्की है, लोग आएंगे, दोस्ती पक्की आएंगे, दोस्ती पक्की है क्योंकि हमारी वीडियो कॉल पे इतनी बातें होती हैं, इतनी ज्यादा मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी बातें होंगी, बट हम बहुत बातें। नहीं मैं नहीं देख पाया क्योंकि मैं, मेरे पास ही टाइम नहीं था और मैं अपने घर पे गया हुआ था, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, उनके साथ भी मैं कर नहीं पाया, प्लस मैं गाना भी शूट कर रहा था, तो थोड़ा सा मुझे 1% भी आइडिया नहीं था कि मैं आधे घंटे पहले स्टोरी लगाऊंगा और इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और मुझे लगता है मेरे को पहले बोलना चाहिए था कि मैं आने वाला हूँ, तो शायद और लोग इकट्ठे हो जाते, बट बहुत भीड़ थी, पूरा गोविंदगढ़ जाम हो रखा था और सारे मेरे घर पे आए और सबने एक एक करके फोटो खिंचवाई। मैं सुबह 4 बजे सोया हूँ सबके साथ फोटो क्लिक करके, मेरे पापा ऐसे खड़े थे कि सबके साथ खिंचवा क्योंकि सबने एक एक वोट डाला मेरे को, तो मैं सबके साथ पिक्चर क्लिक करवा रहा था, अच्छा लगा। क्या मोमेंट लगा उस समय? मोमेंट क्या बताते हैं? मेरे लिए बहुत ही अलग मोमेंट था क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा सब भी होगा, पर हुआ ये, और मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जय माता दी, जय श्री राम, जय माता दी कि मैं यहाँ पे पहुँचा और मैं आगे मेहनत करता जाऊँगा और आगे बढ़ूंगा। जी वो मेरी सिमरन दीदी थी, वो मेरे उड़ारिया में मेरी दीदी प्ले करती थी, तो मैं उनको दीदी ही बोलता हूँ, और मेरी माँ जो प्ले करती थी उनको मैं माँ ही बोलता हूँ, तो वो लोग भी आए थे, मुझे नहीं पता था वो लोग आ रहे हैं, तो मैंने उनके पैर छुए, हग किया, वो लोग बहुत प्राउड थे, प्लस मेरी रियल सिस्टर, मेरी रियल मॉम, वो लोग भी बहुत प्राउड थे, तो बहुत अच्छा लग रहा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा। हाँ जी स्टाइल।